नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ठंड को लेकर। बिहार में ठंड का सितम अभी कम भी नहीं हुआ है कि एक बार फिर से बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। बता दें कि राजधानी पटना समेत प्रदेश के 19 जिलों में एक साथ बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ विभाग ने यह भी कहा है कि इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने के साथ कई स्थानों पर तेज बारिश का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। ऐसे में राहत की बात यह कही गई है कि बारिश के बाद मौसम साफ रहने वाला है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में यह कहा गया है कि प्रदेश के लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलने वाली है। ऐसे में विभाग ने मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए सेहत को लेकर सतर्क रहने की बात कही है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। मौसम विभाग का कहना है कि अब पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आई है। हालांकि अभी भी प्रदेश में पछुआ हवा का प्रवाह निरंतर जारी है, लेकिन अब हवा की गति में कमी आई है। इसके कारण अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने यह भी कहा है कि हवा की रफ्तार में कमी आने से न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में प्रदेश में लंबे समय से कोल्ड डे वाली जो स्थिति थी, उससे लोगों को जो है अब राहत मिलने वाली है। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और 5वें दिन से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ तराई से सटे जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे और सुबह में कोहरे छाए रहने की बात जो है वह कही गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के 19 जिलों में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर पश्चिम के 5 जिलों में, जैसे कि पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज तथा दक्षिण पश्चिम के बिहार के जो 6 जिले हैं, जैसे कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और दक्षिणी मध्य बिहार के 8 जिले, जिसमें कि पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के अलग अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर हम प्रदेश में वर्तमान में मौसम के मिजाज को देखें तो मौसम अभी शुष्क रहने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे में पूर्णिया और दरभंगा में शीत दिवस की स्थिति बनी रही। वहीं प्रदेश के उत्तर बिहार के जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की कोहरे की स्थिति बनी रही है। साथ ही साथ इन जिलों में 60 डिग्री सेल्सियस यानी कि जो तापमान है वो न्यूनतम वो दर्ज किया गया। बता दें कि इस बार की ठंड में बिहार न्यूनतम तापमान में जम्मू से भी, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो ठंड है उससे भी जो है कम ठंड बिहार में दर्ज की गई है। ऐसे में प्रदेश में हाड़ कपाने वाली ठंड की स्थिति रही है। तो अब एक तरह से कह लें कि आने वाले 3 फरवरी के बाद से यह कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि बिहार में बारिश हो सकती है, और बारिश के बाद ये कहा जा रहा है कि मौसम साफ होगा और लोगों को ठंड से जो है निजात मिलेगी। ठंड की स्थिति का सबसे बड़ा जो कारण मौसम विभाग की तरफ से बताया गया, वह कहा गया है कि पछुआ हवा है, और पछुआ हवा की जो है रफ्तार में अब जो है कमी दर्ज की जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से निजात मिलेगी और पछुआ हवा में भी कमी आएगी। बिहार और बिहार जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।